हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो जीवन में हमारे साथ हो रही है या फिर जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं या फिर जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी हो रहा है, और उसे करने के पीछे जो हैं वो हम और आप हैं। क्योंकि आज जो है, अगर बच्चे को खाना खिलाना है तो हम बच्चे को खाना खिलाने की जगह पर क्या कर रहे हैं, उसे एक गलत हैबिट में डाल रहे हैं या फिर बच्चे को फोन देकर खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उस पौष्टिक आहार के बारे में या फिर जो हम उसे दे रहे हैं खाने के लिए उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बता रहे, उसकी डाइट के बारे में नहीं बता रहे या फिर उससे मिलने वाले क्या क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में नहीं बता रहे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि बच्चा कैसे ना कैसे करके इस खाने को खा ले और उसका टमी जो है वो फुलफिल हो जाए। इसकी वजह से बच्चा मोटापा उसका बढ़ता जा रहा है। बच्चा, आपने देखा होगा कि घर में जब हम खाना खिलाते हैं या तो बच्चे को कार्टून नेटवर्क चाहिए या फिर बच्चे को टीवी पर कुछ ना कुछ चलाकर छोड़ना पड़ता है, तभी वो बच्चा उस खाने को खाता है। ऐसे ही साथ हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ हो या फिर हमारे साथ हो या फिर घर में कोई भी मेंबर हैं जो कि फोन पर बात कर रहे हैं और फोन पर बात करते करते अपनी डाइट को ले रहे हैं या फिर अपने खाने को खा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है? इससे आप बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त हो सकते हैं। आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है जब आप किसी भी तरीके से ऐसी अदर एक्टिविटी करते टाइम आप भोजन कर रहे हैं या फिर अपनी डाइट को ले रहे हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं या फिर हम किसी भी चीज को खा रहे हैं, उस टाइम पर जब हम बातें करते रहते हैं या फिर खाना खाते टाइम हम किसी चीज को देते रहते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो हमारी डाइट पर नहीं होता, या मैं कहूंगा कि हमारे खाने पर नहीं होता, जिसकी वजह से जो रसायन होते हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाते या पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रहे, जिन रसायन की हमें जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं या हमारे भोजन में जो भी पौष्टिक आहार है उन्हें निचोड़ते हैं या फिर उनमें से लेते हैं, उन रसायन की कमी से वो जो ग्रंथियां होती हैं वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाती, वो जो रसायन होते हैं वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाते और हमारा जो खाना है जैसे का तैसा वो हमारे पेट में चला तो जाता है मगर ना ही हम उसे अच्छे से चबा पाते हैं, ना ही वो अच्छे से फूड जो है हमारी बॉडी में, जो हमारी राल ग्रंथियां हैं जो उसे भोजन को डाइजेस्ट करती हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाती। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उस टाइम पर हमारा जो फोकस है वो उस पर नहीं हो पाता। ऐसे ही बच्चों के साथ है, ऐसे ही हमारे साथ है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा जो फोकस है वो पूरा हमारे खाने पर होना चाहिए। अगर हम किसी अदर एक्टिविटी के साथ में खाना खा रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो खाने पर ना होकर के किसी और चीज पर केंद्रित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा स्लो काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे को पेट की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें और भी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या से ग्रस्त होना पड़ता है। तो आप जब भी खाना खाते हैं उस टाइम पर आपका पूरा फोकस आपके खाने पर होना चाहिए, स्वाद के अनुसार। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारी रसायन जो ग्रंथियां हैं वो जो ग्रंथियां जो उस फूड को डाइजेस्ट करती हैं वो काम करती हैं हमारे स्वाद के अनुसार। जब हम भोजन को खाते हैं उस टाइम पर उसी तरीके से वो सक्रिय होती हैं जिस तरीके का वो भोजन होता है। आपने देखा होगा जल्दी में खाना खाते टाइम हम खाने को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, मैं ये कहूंगा, या फिर हम उस तरीके से उस फूड को पूरी तरीके से जिस चाव के साथ खाना चाहते हैं उस चाव के साथ नहीं खा पाते और वो भोजन कहीं ना कहीं हमारे पेट में जो का तो पड़ा रहता है और उसकी वजह से हमारा जो फैट है वो बढ़ता रहेगा। आपको एक चीज और बता दूं, मोटा होने के बहुत सारी चीजें हम बताते रहते हैं या मोटापा कम कैसे करें, मगर हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, मोटापा बढ़ने का कारण क्या है, फैट बढ़ने का कारण क्या है। क्योंकि जो हमारा फूड है वो एक फैट का ही काम कर रहा है, जब हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को काम करना चाहिए, ये सारी जो समस्या है वो है हमारी हैबिट के ऊपर। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लें, अगर हम अपने काम करने के तरीके को सुधार लें, अपनी डाइट के तरीके को बदल दें थोड़ा सा, तो हम हमेशा की तरह फिट रह सकते हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। क्योंकि जो फैट है वो जमा ही नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो फैट है वो हमारी बॉडी से उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। वो डिपेंड करता है यू एंड मी, हमारे और आपके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका जो पूरा फोकस है
वो आपकी डाइट पर, आपके खाने पर होना चाहिए, ना कि किसी अदर एक्टिविटी पर। आज मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने हमारे को एक फोन पकड़ा दिया और ले बेटा इसे देखता रहे और इस खाने को खाता रहे। बच्चे को खाना खिला तो रहे हम, मगर बच्चे को ये नहीं पता मैंने खाया क्या है। वो केवल उसका जो फोकस है वो उसके फोन पर है, उसके कार्टून नेटवर्क पर है, या जो भी चीजें वो देख रहा है बच्चा उसके ऊपर उसका फोकस है, उसका फोकस उसके फूड पर नहीं है। तो हमें बच्चे से एक प्रॉमिस करना होगा कि पहले बेटा फूड को फिनिश करना है, आपको इस खाने को खा लो, उसके बाद में आपको मोबाइल या टीवी जो भी देखता है बच्चा आपको उसे दिखाना चाहिए। और फूड की इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुका है, क्योंकि उसकी हैबिट जो है वो डालने वाले हम और आप हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा रोए या फिर उनका बच्चा परेशान हो। उसकी परेशानी जो है वो हमारी परेशानी बन जाती है, इसलिए हमने एक छोटा सा सिंपल सा एक तरीका ढूंढा है कि बच्चे को फोन दे दो और बच्चा अपने आप खाना खा लेगा, हमें खिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ना करें, इससे आपके बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर आप और हम भी ऐसा करते हैं तो हमें आज से ही इस आदत को छुड़ाना चाहिए, या इस आदत की जो हम जिसके आदि बन चुके हैं उससे दूर होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस हैबिट से बच्चों को दूर रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।